बिज़नेस, अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक बियर बार बिज़नेस कैसे खोल सकते हैं, एक बियर बार आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि बियर बार एक्चुअली में होता क्या है। तो व्हाट इज़ बियर बार? तो बियर बार एक ऐसी जगह होती है, ऐसी शॉप होती है जहाँ पर लोग जाते हैं और ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक करते हैं एक लीगल तरीके से, जिसको गवर्नमेंट ने एक परमिशन दे रखी है। वहाँ पर वो बैठा के कोई बंदा वहाँ पे बैठा के पिला सकता है, ड्रिंक करा सकता है, और हम लोग जाके आराम से ड्रिंक कर सकते हैं एक लीगल तरीके से। उस जगह को हम बोलते हैं एक बियर बार, या उस दुकान को हम बोलते हैं बियर बार। तो सबसे फिर दूसरी चीज़ आती है कि बियर बार बिज़नेस के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप अगर बियर बार ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आती है जगह, शॉप। फिर सेकेंड नंबर पर आती है मशीन सही होती है आपको। थर्ड नंबर पर आती है इन्वेस्टमेंट। फोर्थ नंबर पर आते हैं वर्कर्स, कर्मचारी आपको चाहिए होते हैं। फिफ्थ नंबर पे जीएसटी नंबर भी आता है, आपको जीएसटी नंबर एक प्रॉपर लेना पड़ेगा अपने बियर बार के लिए। और सिक्स नंबर पे आता है मार्केटिंग, एंड सेवन्थ नंबर पे आता है प्रॉफिट। उस बिज़नेस से आपको एक प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं जगह। एक्चुअली में आपको एक बियर बार ओपन करने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए थी, शॉप के लिए आपको अपनी शॉप डाल ली है वहाँ पे, तो आपको जगह कितनी चाहिए होती है और किस किस चीज़ों को आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए होती है 800 से 1000 स्क्वायर फीट तक की आपको जगह चाहिए होती है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जगह है वो स्कूल, मंदिर या हॉस्पिटल के पास में नहीं होनी चाहिए। ये रूल के खिलाफ होगा कि आप स्कूल, मंदिर या हॉस्पिटल के पास में कोई, यार आप बियर बार ओपन करना चाहते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो आपको जगह सेलेक्ट करनी है ये देख के कि कोई आसपास मंदिर ना हो बड़ा, हॉस्पिटल ना हो, और कोई स्कूल ना हो आसपास में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब सेकेंड थिंग जो आती है वो है बियर बार के लिए मशीन्स कौन कौन सी लगती हैं। तो सिंपली सबको पता है यार कि बियर बार के लिए कोई मशीन नहीं लगती है, बस एक मशीन के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रिजरेटर। हमको सिर्फ फ्रिज ही चाहिए होता है बियर को ठंडी करने के लिए। और जो हमारे स्नैक्स, जो भी आप उस, एक्चुअली में वो एक तरह से रेस्टोरेंट ही हो जाएगा, जो भी आप उसमें स्नैक्स बनाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं, तो आपको उस चीज़ को ठंडा रखने के लिए एक सिर्फ फ्रिज चाहिए होता है। 3-4 आपको फ्रिज लगेंगे जो कि बियर को आपकी ठंडी करके रखेंगे। तो आपकी ये हो गया मशीन्स, तो आपको इस मशीन आ गया। अब थर्ड नंबर पर आता है जो वो इन्वेस्टमेंट, आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही आती है कि बिज़नेस, बियर बार का बिज़नेस ओपन करना, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा आपको एक बताऊँ, मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। वर्कर हो गए आपके, सारी मशीन्स हो गई, एंड आपका जो पेपर वर्क होगा, जो आप परमिशन लोगे वो 2.5 लाख, जैसे परमिशन कुछ कुछ होती हैं जो 2.5 लाख की आती हैं, और कुछ जैसे कि 8,90,000 की आती है। तो मैंने सब कुछ इंक्लूड करके, मैं आपको सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ, कुछ आपका बजट बनेगा ऐसे करके 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15 से, तो आपका मतलब एक बियर बार ओपन हो जाएगा। आपको इसमें जगह का लीज़ और रेंट भी इंक्लूडेड है, अगर आपकी जगह खुद की नहीं है तो। अब फोर्थ नंबर पे जो आता है वो बियर बार के लिए वर्कर, कितने में कर्मचारी चाहिए होते हैं, कितने आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने अगर फॉर्म भरा जाके बियर बार के लिए, तो आपको उसमें कितने मिनिमम वर्कर्स दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे ये आते हैं, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कौन कौन। एक हेल्पर होना चाहिए, वेटर होना चाहिए, बर्तन धोने वाला होना चाहिए, टेंडर वाला होना चाहिए, स्टोर कीपर होना चाहिए, और एक मैनेजर होना चाहिए। आप गिन लीजिए कितने मैंने बता दिए आपको, इतने तो आपको उसमें दिखाने ही पड़ेंगे कि हाँ आपके पास इतने सारे वर्कर हैं। हालांकि फिर आपको स्टाफ आपको जितना बढ़ाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम इतने तो दिखाने ही पड़ेंगे आपको बियर बार लेने के लिए। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है वो है जीएसटी नंबर। सबसे मेन यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, तो इसमें ही बहुत सारे पैसे लग जाते हैं घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में, और भगना बहुत पड़ता है इसके लिए, जीएसटी नंबर के लिए। और मतलब कि एक्चुअली यही लाइसेंस होता है। तो जीएसटी नंबर आपको लेने के लिए देखिए, आपको पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। आईडी प्रूफ में आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन तीनों में से आपको कोई चाहिए होगा एक आईडी प्रूफ के तहत, ठीक है। अब सेकंड आपको चाहिए था एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आ जाता है, राशन कार्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपको हो जाएगा एड्रेस प्रूफ। अब जो दुकान खोलेंगे आप या फिर जो शॉप खोलेंगे उसका आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। फिर आपका लगेगा बैंक अकाउंट विद पासबुक एंड फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और लगे हैं वो, जैसे कि हैसियत प्रमाण पत्र हो गया, और भी 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको और लगाने पड़ेंगे इसमें, है ना। तो अब जो, जैसे कि आपकी एक डॉक्यूमेंट पीडी और बनेगी, बिजनेस की डॉक्यूमेंट पीडी और बनेगी, उसमें क्या क्या लगता है, उसमें आपको क्या क्या कराना पड़ेगा, एक तो आपको बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिज़नेस पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, और एक जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। उसके आपको अपनी
सो आपका जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कि क्या क्या पेपर वर्क रहेगा हमारा, ये सारा हमारा पेपर वर्क में आ जाएगा, जीएसटी नंबर में हमारा सारा ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे 6 नंबर पे आता है कि इसकी मार्केटिंग। अब जैसे कि बियर बार आपने ओपन कर लिया तो इसकी मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए, इसकी मार्केटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना आपको इसने आपको इसे ओपन करना था। तो मार्केटिंग में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आप इसका ऐड, आपको उसका ऐड कराना होगा, ऐड कराएंगे आप टीवी पे भी ऐड दे सकते हैं एक लोकल एरिया का, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में ओपन कर रहे हैं या फिर नोएडा में ओपन कर रहे हैं, मतलब ये दिल्ली एनसीआर पूरा ही कवर हो जाता है, तो आपको उसका ना प्रॉपर एक ऐड रन कराना होगा। ऑन यूट्यूब पे भी करा सकते हैं आप, और टीवी पे कोई लोकल चैनल पे करा सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐड उसका रन करा सकते हैं, तो आपको ऐड रन कराना पड़ेगा उसको। फिर 7 नंबर पे जो आता है वो प्रॉफिट, आपको ये तरीके सीखने पड़ेंगे। मैंने ये इसलिए ही ऐड किया इस चीज़ में क्योंकि बियर बार से भी हर कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, हालांकि बहुत आसान होता है, मिनिमम तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न करा जाए ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको एक क्लिप पर्सनली वीडियो बना दूंगा कि आप इससे कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, फिर किसी और बिज़नेस से, फिर किसी भी बिज़नेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, मैं आपके लिए एक सिंपल वीडियो बना दूंगा। तो आपको इसमें एक प्रॉफिट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको प्रॉफिट बनाना एक्चुअली में सीखना पड़ेगा, जितना जैसे कि आप जितना हो सके उतना प्रॉफिट बना सकें इसके लिए, क्योंकि ये लाइसेंस मिलता है गाइस हमें सिर्फ 1 साल के लिए। यस गाइस, हमें 1 अप्रैल को फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ेगा, मतलब कि 31 मार्च को हमें फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ेगा, इसकी 1 साल की ड्यूरेबिलिटी होती है, 1 साल के लिए ही मिलता है ये, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमें ये लाइसेंस दिया जाता है। तो आपको अब पता चल गया हो कि एक बियर बार ओपन कैसे कर सकते हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो ज़रूर से कर लें इंस्टाग्राम पर। अगर आपका कोई क्वेरी है, जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा इस रिलेटेड टू एनी बिजनेस, कुछ भी आप जैसे आपको नहीं पता को क्या करना है, फिर कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी 100% हेल्प करूंगा, क्योंकि गाइज मैं भी एक स्ट्रगल हूँ आपकी तरह, मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपसे। तो गाइज चलिए साथ में सक्सेस होते हैं, मेरा ये कुछ भी मान लीजिए स्लोगन मान लीजिए कि साथ में सक्सेस होते हैं। देन बस आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और आप कोई और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर से कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान।